तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। क्रिप्टो फैमिली के साथ मिलकर काफी बढ़िया अमेजिंग प्रॉफिट बना रहे होंगे। तो दोस्तों आज की डेट में ना मार्केट के अंदर काफी ज्यादा रिमोट ये फैल रहा है कि भैया बेबी डॉजकॉइन के 10 बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग होने वाली है और आई थिंक ये काफी ज्यादा पंप करने वाला है, इतना एक्स प्रॉफिट देने वाला है। अब मुझे भी काफी ज्यादा ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या ये रियलिटी है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसकी सच्चाई के बारे में बताने वाले हैं कि क्या ये रियलिटी है और अगर होने भी वाला है 10 एक्सचेंज पे लिस्टिंग तो आखिर कौन कौन से वो एक्सचेंज है 10 जिसके ऊपर हो सकती है बेबी डॉजकॉइन की लिस्टिंग। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, पहली बार चैनल पर विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके टेलीग्राम के चैनल मस्ट जरूरी फॉलो करना, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जब मैंने भी इस न्यूज के बारे में पढ़ा तो थोड़ा सा मुझे भी अजीब सा लगा कि ट्विटर पे भी मैंने जाके चेक किया तो ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं था। देन दोस्तों मैं और भी जगह जो है जाके इसके बारे में रिसर्च किया, आर्टिकल पढ़ा, बट मुझे कहीं से भी ये प्रूफ तो खैर नहीं मिला कि भाई ये जो है 10 एक्सचेंज पे लिस्ट करने वाला है। बट दोस्तों कई मेरे भाई जो है इसके अंदर जो है आई थिंक काफी ज्यादा जो है वीडियो भी बनाना शुरू कर दी कि भाई 10 एक्सचेंज पे। तो देखो यार मैं सिंपली इस पे यही कहना चाहूंगा कि 10 एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो या सिंगल एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो या भी लिस्टिंग ना हो, मैं पूरा फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि नेक्स्ट बुल रैली तक ये जो है मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा, 100x से लेके 1000x का प्रॉफिट देगा मेरा जो अनुमान है। और मैं होल्डिंग तब तक रखूंगा, मैं सिर्फ ये नहीं कि 10% 20% 50% या 100% का प्रॉफिट लेके निकलूंगा, बिल्कुल भी नहीं। बेबी डॉज या किसी भी मीम टोकन के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करो तो एक चीज अपने मन के अंदर दिमाग के अंदर ये गांठ बांध लो कि हमें जो यहाँ पर से कम 10x से लेके 100x इवन उससे ज्यादा भी अगर प्रॉफिट मिले तो हमें बड़ा प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि मीम टोकन के अंदर रिस्क होता है लेकिन प्रॉफिट देने का चांस भी बहुत ही ज्यादा होता है। और बेबी डॉज को लेकर मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ और इसका काफी सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। आप देखा है दोस्तों, आपने देखा है कुछ टाइम पहले मेटावर्स के बारे में अनाउंसमेंट किया कि भैया डिसेंट्रलमाइना के साथ ये मेटावर्स के अंदर जो कूद चुका है। दोस्तों इसका खुद का स्वैप का टेस्टनेट चल रहा है, एनएफटी के अंदर यहाँ पर 3D NFT भी ला रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रोजेक्ट भी बैक टू बैक आ रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रही है। तो लिस्टिंग तो होगी, बड़े बड़े एक्सचेंज लाग रहे हैं, बाइनांस भी एक दिन लिस्ट करेगा, बट वो अभी नहीं, अभी बोलना काफी जल्दी हो जाएगा, एक दिन होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम सबको भी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जब वो टाइम आएगा तो अपने आप ही सभी एक्सचेंज को लिस्ट करेगा, यहाँ पर एक ही चीज काम करेगा और एक ही आदमी प्रॉफिट यहाँ पर से बना सकता है और बेनिफिट यहाँ पर से ले जा सकता है। वो सिंगल आदमी वो होने वाला है जो यहाँ पर पेशेंस रखेगा, जो यहाँ पर होल्डिंग रखेगा, जो यहाँ पर अपना जो है आई थिंक मन को जो है ना 10-20% में लालच में ना डालेगा, वही आदमी यहाँ पर से प्रॉफिट लेगा। और आप यकीन मानो कि इस जैसे प्रोजेक्ट के अंदर ये पोटेंशियल है कि 10x to 100x इजिली ये करके देगा। टाइम लगेगा लेकिन ये चीज होगा दोस्तों, बस हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, टाइम देना है, इसको होल्ड करके रख लो आप। बाकी जो इससे रिलेटेड न्यूज आए बस न्यूज को देखते रहो आप, ज्यादा ना ही लालच करो, ना ही अगर ये डाउन जा रहा तो पैनिक करो। मैं हमेशा बोला हूँ इस जैसे प्रोजेक्ट के अंदर 20-30 even $50 बहुत है यार। दोस्तों मेरा जो टारगेट है, मैं अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग मैंने बाय किया, आपका क्या पोर्टफोलियो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बाय करो। बट दोस्तों बाइंग करने से पहले एक वर्ड हमेशा याद रखना है कि हमें बाय तो करना है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, कम से कम तो नेक्स्ट बुल रैली तक के लिए होल्ड करना है, ताकि 3-4 साल में इसका और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए, और भी नए नए प्रोजेक्ट्स आए, और भी अनाउंसमेंट आए और यह आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके वहां हमें तब तक जो है 10x से लेके 100x प्रॉफिट इजिली ये दे। जी दोस्तों मेरी इस वर्ड से कितने आप एग्री है, मेक श्योर अपना ओपिनियन हमसे कमेंट में शेयर कर सकते हो। और आपको ये न्यूज के बारे में पता था क्या कि 10 एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने वाली है, और आपको अगर पता था तो कहां से पता चला और कौन कौन से एक्सचेंज के बारे में पता चला, मेक श्योर अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर कर सकते हैं। बाकी ऐसे वीडियो के लिए हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके टेलीग्राम के चैनल मस्त जोड़िए फॉलो करना, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के उतरा है, जय हिंद।